लगे 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर लड़के 0 लिखा हुआ नंदू पेज उसको दिखाओ। इसको जब हल करने जाओगे लड़के ध्यान देना, इसको हल करने जाओगे तो 0.04 एक्स स्क्वायर है, इसको पछाड़ कर दोगे तो 0.25 समझ में आ रहा है। ये आगे जो 0 लिखा हुआ दशमलव के इधर लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं, यदि नहीं लिखोगे तब वो चल जाएगा, लिख दो तो ऐसे तो मान लो ठीक। अब जब इसको लगाने जाओगे तब क्या कर सकते हो, तो तुम आसान तरीका है कि तुम इसको भिन्न में बदल दो। भिन्न में बदलने जाओगे तो इसको तुम लिख दोगे ऐसे कि 0.4 बटा में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तुम चाहो तो 100 का यहाँ गुणा कर दोगे। तो भाई अपने से लिख रहे हैं 100 और उसी तरह यहाँ 0.25 गुणते हो जाएगा 100 बटा में कितना हो जाएगा 100, तो इसको गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 बटा में हो जाएगा 100। दशमलव दो स्थान पर है तो दो स्थान लग कट चला दीजिए, यहाँ से कट गया ना, ये हो जाएगा 4x² बटा में कितना हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 25 बटा में 100। एक चीज ध्यान देना लड़के, कभी भी इस तरह लिखा हो ना तो यहाँ से इसको क्या कर देना कट करा देना, कट जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4x² बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x² बराबर ये हो जाएगा 25 बटा में 4, तो एक्स बराबर ना बाबू देखो दो घात हटेगा तो अंडर रूट बना देगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 बटा में 4। तो इसके बाद तुम पढ़े हो ना एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 5 × 5 दो गुणते अब एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5 बटा में 2। इसको और कटाना चाहते एक्स बराबर प्लस माइनस 2.5 होगा। यस बस हो गया।